Hi dear students, welcome back. This is me Shehzad and I'm here today with word power. It is said word power is just like a backbone of English language. कहा जाता है कि जितना आपके अंदर word power होगा उसका उतना आपके अंदर language के प्रति confident आएगा. इसलिए कहा जाता है कि एक word से ही language start होता है और इसे backbone कहा गया है language का. आई बात समझ में? तो चलते हैं आज देखते हैं कुछ नए word लेके आया हूँ. सबसे पहले इसको highlight करते हैं. यहाँ पे आज आपको मिलने वाला है कयामत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं. ओके, जैसे डर है, डर यहाँ पे रिलेटेड, यहाँ पे वो फेयर वाला डर नहीं है, यहाँ पे वो वैसा डर है. हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर लगता है. किसी को सांप से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से, किसी को गहराई से, है ना, इस टाइप का डर से. किसी को डॉक्टर से डर लगता है, किसी को इंजेक्शन से डर लगता है, वो डर मैं बताने वाला हूँ. और नशा, नशा का अंग्रेजी क्या होता है, वैसा नशा. किसी को गुटखे की लत है, किसी को पान की लत है, है ना, किसी को पीने की लत है, इसको क्या बोलते हैं, इस लत को नशा बोलते हैं, उसका अंग्रेजी मैं बताऊंगा. और कुछ लोग क्या करते हैं, मेहनत करना जानते नहीं है, ऐसे लोग क्या बोलते हैं, कामचोर बोलते हैं. ओके, और बेसिकली कुछ लोगों की आदत होती है नखरा. ये वर्ड खास करके बेसिकली पर्टिकुलर पर्सन के लिए जाता है, जैसे फीमेल कुछ ज्यादा ही होते हैं. आई होप सो, इतना 100% मैं एग्री नहीं करता हूँ, फिर भी नखरा करने वाली बात जहां तक आती है मैं इसका अंग्रेजी बताने वाला हूँ. और यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे तौबा, तौबा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताने वाला हूँ. सबसे खास बात कि इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनीवन. ओके, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें. और वजू को क्या अंग्रेजी क्या बोलते हैं, और सजदा को क्या बोलते हैं, और बुरा भला कहना, है ना, और खफा का अंग्रेजी क्या होता. आज मैं ओवरऑल यहाँ पे 10 वर्ड पावर लेके आया हूँ बच्चों के डिमांड पर, सर वर्ड पावर कुछ बताइए, और उसी हिसाब से मैं यहाँ पे आज लेके आया हूं. तो सबसे पहले जानते हैं कयामत का अंग्रेजी क्या होता है. गॉट इट? इसको कयामत को अंग्रेजी में बोलते हैं रेजरेक्शन. यहां मैं लिखता हूं साइड में RESURRECTION. इसको दो सिलेबस में पढ़ेंगे, रेजरेक्शन. ओके, यहां पे क्या है, ये आपका रेजर है और यहाँ पे ये आर साइलेंट है और यहाँ रिएक्शन, तो क्या पढ़ेंगे इसको, रेजरेक्शन. रेजरेक्शन मतलब क्या होता है, कयामत होता है. गॉट इट? अगर इसको हम फोनेटिक में लिखने की कोशिश करें तो इसको ये फोनेटिक में ऐसे लिखा जाता है, ये रेजे, उसके बाद फिर ऐसे इसको लिखेंगे रेजरेक्शन, ये फोनेटिक में लिखा हुआ है. गॉट इट? तो रिजेक्शन मतलब क्या होता है, कयामत. अब ये डर वाली जो बात मैंने बताया, हर इंसान को किसी न किसी चीज से क्या लगता है, डर लगता है, इसको बोलते हैं फोबिया, PHOVIA, फोबिया. उसके बाद नशा, नशा को बोलते हैं मेनिया, इसको मैनिया ना पढ़े, मेनिया, MANIA. ओके, ये क्या है, मेनिया है. और कामचोर को बोलते हैं शर्कर, SHIR, शर्कर. ठीक है, यहाँ पे आर का उच्चारण नहीं होगा, यहाँ भी आर का उच्चारण नहीं होगा. आपको पता होगा आर फैक्टर वाले ने बताया कि आर का उच्चारण कब करना है और कब आर का उच्चारण नहीं करना है. जो आर फैक्टर नहीं वॉच किए अब तक, तो आर फैक्टर जाके वॉच कर सकते हैं. तो इसको क्या पढ़ेंगे, शर्कर. ओके, अब यहाँ पे क्या, नफरा, नफरा को बोलते हैं कोक्वेटी, QUOQUER. Repentance. अब यहां पे वजू, वजू को बोलते हैं ablution, ABLUTION, ablution. ओके, इसको क्या बोलेंगे, अब्लूशन, ABLUTION, अब्लूशन. अब यहां पे क्या है, सजदा है. ओके, सजदा को बोलते हैं प्रोस्ट्रेशन, PROSTRATION, प्रोस्ट्रेशन. और यहां पे देख रहे बुरा वाला, जैसे बोलते हैं किसी को बुरा वाला मत कहो, तो ठीक है, तो पहले जानते हैं कि बुरा वाला का अंग्रेजी क्या होता है, रिव्यूक, RE BUKE, है ना. अब बोलेंगे सेंटेंस बनाते हैं, किसी को बुरा वाला मत कहो, डोंट रिव्यूक एनीवन. अब खफा को बोलते हैं अंग्रेजी में इनरेज, ENRAGED, इनरेज मतलब खफा. ओके, अब जैसे यहां पे एक बार मैं रिपीट कर दूं, यहां पे क्या, इसको पढ़ेंगे रेजरेक्शन, यह है फोबिया, यह है मेनिया, यह है शकर, और यह है कोक्वेट्री. और यहां पे क्या पढ़ेंगे, रिपेंटेंस,
एंड अब्लूशन, और यह क्या है, प्रोस्ट्रेशन, रिव्यूक इन रेज। आई होप ये 10 वर्ड आपके लिए काफी कारगर हो सकता है, आप इसको अगर याद कर ले, गॉट इट। आई होप ये अपने से अप्लाई करें। बोलते हैं ना किसी इंसान को आप क्या करें, जैसे हमारे एक सर है वो कहा करते थे बच्चों को क्या करना है, आपको मछली पकड़ने सिखाना है, ठीक है, मछली पकाते कैसे वो नहीं सिखाना है, वो अपने आप को कर लेगा। तो आप भी कोशिश करें, कुछ सेंटेंस को बनाए, अपना क्रिएशन देखा, अपना क्रिएटिविटी दिखाए, और एक नया नया सेट। बोलते हैं कीप थिंकिंग, कीप अप्लाइंग एंड कीप लर्निंग इंग्लिश। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।